हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो अभी अभी एक बहुत अच्छी खबर आई है। वेस्ट बंगाल जो बोर्ड है, WB बोर्ड, उसका रिजल्ट आ गया है 12वीं क्लास का थोड़ी देर पहले। और सबसे खुशी की बात यह है कि 800,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था और उनमें से 90% बच्चे पास हुए हैं। हालांकि मुझे ज्यादा फिक्र है इस टाइम CBSE बोर्ड की। 90% 12वीं के बच्चे पास हो चुके हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया खबर है। भगवान करे CBSE के बच्चे भी इससे भी ज्यादा पास हो जाए। 90% की तो उम्मीद है मुझे रिजल्ट की। अगर 90% आता है तो 10% बच्चों की कंपार्टमेंट होगी, और अगर 92 आता है तो 8% बच्चों की कंपार्टमेंट होगी, और 95 आ जाता है तो केवल 5% बच्चों की कंपार्टमेंट होगी, और ये बहुत अच्छा रिजल्ट माना जाएगा। एवरेज अगर मैं पिछले 3 साल का देखता हूँ CBSE का, तो 89 के आसपास आ रहा है। तो भगवान करे थोड़ा सा रिजल्ट मॉडरेट हो जाए और 90% तक आ जाए। वेस्ट बंगाल में तो 90% बच्चे पास हो गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और वेस्ट बंगाल बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक ये बात बताई है कि बच्चे अपना रिजल्ट जो है स्कूल जाकर ले सकते हैं 10 मई से, परसों से 10 बजे के ऑनवर्ड्स अपनी मार्कशीट वहां से ले सकते हैं। तो काफी फास्ट काम किया है, मार्कशीट भी जारी कर दी है और रिजल्ट भी दे दिया है। वेस्ट बंगाल में भर्ती घोटाले की जांच चल रही है इस टाइम। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों फटकार लगा चुके हैं ममता बनर्जी सरकार को। वहां पर पैसे लेकर और जॉब दी गई है, 26,000 के आसपास टीचरों को भर्ती किया गया है पैसे लेकर, और वो प्रूफ हो गया है। तो हाई कोर्ट ने तो उन टीचरों को बर्खास्त कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको बर्खास्त जो किया था उसको बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि बर्खास्त नहीं करेंगे, चूंकि इनके जीवन का सवाल है। फिलहाल बहुत बड़ी खुशखबरी है 90% रिजल्ट की। अब देखते हैं CBSE का रिजल्ट कितने परसेंट आता है। प्रार्थना करिएगा एक बार कमेंट में, सब बच्चे जितना चाहते हो आप रिजल्ट CBSE का उतना जरूर लिख दीजिएगा, 90, 91, 92, 93, 94 जितना भी कमेंट जरूर करिएगा। जितना ज्यादा रिजल्ट आएगा उतना ही ज्यादा बच्चे पास होंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसी तरह खबरों के लिए एग्जाम जानकारी को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।